तीन चार महीने बाद डालने से फ्लैट आएगा सर। चलिए उसको फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई हुई है तो मैं कोई थोड़ा सा रेस्ट करके दूंगा। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेंगे डॉक्टर साहब, मैंने बात सुने ना उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, शी इज ही इज आवर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके, लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मैं कहता हूँ दो काम उन्हें बताया सर, एक उनका ग्रिड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट वही है ना, ऐसा ही है सर हाँ, नहीं तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इश्यू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में, अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट में इंडिया से मशीनरी आना, ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात, मैं मानता हूँ, तो उसको आप सब पहले बता दें फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मेपको वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इतिहाद पार्क बनाया रही घर खान में, वो हम करा रहे थे। अच्छा दो काम उन्होंने था, पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इतिहाद पार्क क्या है? कोई वहां हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा तो हाउसिंग सोसाइटी पे अपना ग्रेट स्टेशन बनाना पड़ा, एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं कोई इशू नहीं, लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मिशन बनाने में बड़ा फ्लैक आएगा जी जी। और फिर मैं सर चुपके से आ जाती ईसीसी में ले जाना, वहां डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना, उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब नटो किसी आऊंगे मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी है वो कर लेते हैं सर, वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी वो फिर नहीं गई सर। ठीक है फिर इस तरह कर लें जी सर, इस तरह कर लें ठीक। बाकी सर गहरी बात है सर, ये हमारे लिहाज राणा भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें।